हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री मधुबाला की। वो अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती की चर्चा हमेशा से ही रही है। मधुबाला असल जिंदगी में जितनी खूबसूरत थी, उनकी जिंदगी उतनी ही दर्दनाक रही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मधुबाला और दिलीप कुमार का प्यार बेहद गहरा था। 9 साल के इस रिश्ते के बाद वो रिश्ता इस तरह टूटा कि फिर कभी जुड़ नहीं पाया। दिलीप कुमार से रिश्ता टूट जाने के बाद मधुबाला अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि किशोर कुमार ने उनसे शादी करने की बात कही। मधुबाला ने किशोर कुमार के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। वही मधुबाला के पिता चाहते थे कि मधुबाला की शादी हो जाए। मधुबाला शादी करने से पहले एक बार लंदन में अपने डॉक्टर से सलाह लेने गई, क्योंकि फिल्मों में प्यार और खुशी के रंग बिखेरने वाली मधुबाला की जिंदगी में दुखों का सैलाब था जिससे वो जूझ रही थी। मधुबाला के दिल में छेद था। मधुबाला का इलाज लंदन के डॉक्टर्स कर रहे थे। वही प्यार में धोखा खाने वाली मधुबाला ने किशोर कुमार से 1960 में शादी कर ली थी। 1960 में इन दोनों की शादी हो गई थी। उस समय मधुबाला महज 27 साल की थी। शादी के बाद मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी। इसी बीच डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो अब सिर्फ 2 साल ही जी पाएंगी। ये बीमारी की खबर जब किशोर कुमार ने सुनी तो उनका क्या रवैया था, बता रही हैं मधुबाला की बहन मधुर भूषण। क्या कहती हैं किशोर कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी पर, किस तरह से बीते मधुबाला की जिंदगी के आखिरी पल और क्या हुआ था जब किशोर कुमार को उनकी बीमारी का पता चला। ये सभी बातें बता रही हैं मधुबाला की बहन मधुर भूषण। तो चलिए जानते हैं मधुर भूषण से ही मधुबाला से जुड़ी उनकी दर्दनाक कहानी। दिलीप कुमार से तो उनकी मोहब्बत थी, 9 साल की मोहब्बत, जिसे कहते हैं मेड फॉर ईच अदर थे। बहुत ही खूबसूरत कपल था और उनके साथ उनकी शादी भी होने वाली थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। और आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ जिसे कहते हैं एक खूबसूरत मोहब्बत जो अचानक ही बिखर सी गई, एक रिश्ता जो टूट गया बिना किसी वजह, ना समझ में आज तक नहीं आ रहा कि खता किसकी थी। अब्बा कहते थे बेटा बहुत छोटी हो अभी, और यूसुफ साहब थोड़े से, बहुत बड़े तो नहीं थे, थोड़े से बड़े हैं, तो थोड़ा रहने ही दो, ये सही रास्ता नहीं है। तो बट शी वुडंट लिसन, यू सी, शी सेड नो आई लव हिम। और वो जो कोर्ट केस हो गया नया दौर पिक्चर को लेके वी आर चोपड़ा की, वहां से ये सब सेपरेशन आ गया। कोर्ट केस में मेरे वालिद का और यूसुफ साहब का, मतलब दिलीप कुमार साहब की, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वाइल दे वर इन द कोर्ट इट केम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट ओके फाइन वी गिव अप एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, उससे शादी करना जरा मुश्किल होता है। तो आपा को मोहब्बत थी तो ही शादी की, चाहे रिबाउंड पे की, जो भी की। दिलीप कुमार से इश्क तो खत्म हो गया, मोहब्बत टूट गई, या एक जो भी हुआ अनबन हुई, लेकिन कहीं ना कहीं तो किशोर भैया से भी मोहब्बत करती थी। तो उनसे भी शादी 9 बरस रही, 9 बरस शादी रही। तो ये जरूर है कि किशोर भैया थोड़े से बदल गए थे जब उन्हें पता चला कि अब कभी अच्छी नहीं होगी। लेकिन औरत उस वक्त जब बीमार होती है या उसे पता चले कि मैं इस दुनिया से जल्द जाने वाली हूँ, रुखसत होने वाली हूँ, तो वो चाहेगी मेरा हस्बैंड मेरे पास रहे, मुझसे दूर ना जाए। जो किशोर भैया ने काफी दूरियां अख्तियार कर ली थी, घर चले गए थे अपने रहने, आपा हमारे घर रह गई थी, आते नहीं थे मिलने क्योंकि शूटिंगों में बिजी रहते थे, ट्रैवलिंग बहुत होता था, शोज थे उनके, तो ये हार्डली कुड गिव हर टाइम। उनकी बीमारी के बारे में पता चला सबसे पहले मद्रास में, SS वासन की पिक्चर थी, बहुत दिन हुए, वहाँ उनको खून की उल्टी आ गई थी। तो शी वॉज फ्लोन डाउन फ्रॉम देयर, बॉम्बे आई और वहाँ पर डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, मगर उन्होंने मुश्किल से 15 दिन 20 दिन भी आराम नहीं किया, एंड बैक टू
वर्क, उसके बाद मुगले आजम में काम, नाच रही है, धक्के लोग मार रहे हैं, चेन्स इतनी हैवी हैवी रियल पहन रही हैं, इतनी दिन दिन भर चेहरे के ऊपर ये दिखना चाहिए कि ये मजलूम लड़की है, अनारकली इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वो सब की वजह से खाना नहीं खाती थी, दिन दिन भर अपना खाना लोगों को दे देती थी। जिस इंसान ने हर लम्हा हर सेकंड बिस्तर में गुजारा हो इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ कि अल्लाह शायद कोई इलाज निकल आए, शायद कोई दवा निकल आए और मैं अच्छी हो जाऊं। 27 साल की उम्र इज अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी, और जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा, काम घर काम घर। अब जब अच्छे काम करने की, अच्छे लोगों के साथ काम करने की, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि आगे कुछ कर सके। बोलती थी अब मैं मुगले आजम हिट हो गई है, अब मैं अच्छी अच्छी पिक्चरों में काम करूंगी, ये करूंगी। अल्लाह ताला कुछ सोच के अलग ही बैठा था। फादर का जॉब छूट गया तो लोगों ने कहा बॉम्बे जाओ, बच्ची खूबसूरत है, इसका शौक भी है, छोटे मोटे रोल्स मिल जाएंगे इसको। तो अब्बा बड़े डरते डरते खानदान के अगेंस्ट जाके उनको, हम सबको, मतलब मैं तो पैदा यहाँ हुई, सबको लेकर आ गए। और बॉम्बे टॉकीज का स्टूडियो था, मुमताज शांति हीरोइन थी तब, तो वहाँ पर चंदूलाल शाह के वहाँ ले गए और बोले देख लीजिए। तो मुमताज शांति की छोटी सी बिटिया का रोल था, बेबी मुमताज, तो उन्होंने बेबी मुमताज उनका नाम था, उससे उन्होंने वो उनकी बिटिया का रोल किया और वहां से माशाल्लाह इतनी तारीफ हुई, अपने आप गाना भी गाया, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया। आप यकीन मानेंगे उन्होंने एक स्टेप भी नहीं सीखा, ना कथक ना इंग्लिश डांस, बल्कि उनके डांस मास्टर गोपी कृष्ण थे मुगले आजम में, और लच्छू महाराज थे मोहि पनघट पे, नंदलाल छेड़ गए, वो लच्छू महाराज का था और प्यार किया तो डरना क्या गोपी जी का था। और ये जो बाकी जो गाने करती थी, हावड़ा ब्रिज का एक गाना, इतनी खूबसूरत वो लग रही उस गाने में, और एक एक एक्सप्रेशन उन्होंने इस तरह से उसको परफॉर्म किया कि शी वॉज द सेक्सीएस्ट हीरोइन ऑन स्क्रीन का खिताब उस गाने से उन्हें मिला। वो सिर्फ उनके अंदर था, वो सोचती थी, लफ्जों को सुनती थी कि आशा दीदी ने गाया, लता दीदी ने गाया, तो चलो ऐसे गाया तो मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा लगेगा। दैट वॉज इन हर, यू सी गॉड से। दिलीप साहब खुद आए थे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें देखने, व्हेन शी वॉज इन द हॉस्पिटल, और वहां उन्हें मालूम पड़ा था कि मधु भी हॉस्पिटल में है, तो वो आए थे, मिले थे। जिस दिन गुजर गई थी, दिलीप साहब मद्रास से फ्लाई डाउन किए थे, बट बाय द टाइम हिज फ्लाइट रीच्ड बॉम्बे तब तक आपा को दफना दिया था, तो वो कब्रिस्तान गए थे, जाने वाला तो चला गया। किशोर कुमार और मधुबाला से जुड़ी कई बातों पर बात कर रही हैं मधुबाला की बहन मधुर भूषण। वही मधुर भूषण बता रही हैं कि किस तरह से मधुबाला फिल्मों में आई। उन्हें शौक नहीं था लेकिन उनकी गरीबी ने उन्हें फिल्मों में आने पर मजबूर कर दिया। तो ये थी कुछ बातें मधुबाला की जिंदगी से जुड़ी हुई। मधुबाला जिंदगी भर तड़पती रही उस खुशी की तलाश में जो खुशी कभी नहीं मिल पाई। उनके आखिरी दिनों में उन्हें वो सब कुछ देखना पड़ा जो उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। आज मधुबाला हमारे बीच भले ही ना हो लेकिन उनकी खूबसूरती और उनकी अदाकारी हमेशा हमारे दिल पर छाई रहेगी। उनकी यादें हमें उन्हें कभी भूलने नहीं देंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको मधुबाला से जुड़ी कई अहम बातों का पता चला होगा। और भी कई दिलचस्प और कलाकारों से जुड़ी हुई वो बातें जो शायद ही आप जानते हैं, वो बताने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। इंस्पायरिंग स्टोरीज, ट्रैवल और हमारे बॉलीवुड के किस्से कहानियाँ आप तक ज़रूर लाते रहेंगे। और आप भी हमें हमारे चैनल वन कॉर्नर को फॉलो करते रहें। कुछ सुझाव देना हो या कुछ कहना हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। हमें इसी तरह अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।